मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मोटिवेशनल स्पीकर की कोई स्पीच सुनी आप मोटिवेट हो गए और अब कल तो आप पूरा इतिहास रच दोगे तो बिल्कुल नए नए नाम मार्केट में आए हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था सुना नहीं था वो बिजनेस बन चुके हम नया बंदा लाते हैं उसको सिखाते हैं और जब वो सीख जाता है तो भाग जाता है क्यों क्योंकि वो आपके पास आए सीखने था उसके पास दो दो तीन तीन जनरेशन से लोग काम कर रहे हैं हाउ डू यू गो फ्रॉम बींग मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच मैनेजिंग योर बिजनेस एंड देन अ फिटनेस फ्रीक एट द सेम टाइम हाय गाइस मैं एडवोकेट विकास नागवान जैसा कि आप लोग जानते ही हैं आई एम ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अमित महेश्वरी बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच और अभी फ़िलहाल तो हेल्थ पे भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया है लास्ट टाइम मैंने इनको देखा था तो उस टाइम यू आर अब इट ओवर और अभी मैं आपको देख रहा हूँ तो एक क्या चेंज है सर थैंक यू इनको इनका इंट्रोड इनको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है इनको इतने लोग जानते हैं और इतने लोगों की हेल्प कर चुके हैं कि जिसका मेरे पास तो काउंट नहीं है शायद इनके पास हो काफ़ी लोगों के मैंने देखा इनके पास फोन आते हैं तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी थैंक्स थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन एंड इंट्रोडक्शन एज वेल एज इन तो, well <laughs> तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए <laughs> मैं जैसे देखता हूँ कि आप जैसे बिजनेस कोच हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूट्यूब पे भी आप काफ़ी फेमस हैं चीज़ों को लेके आप जो डे टू डे चीज़ें होती हैं आपकी मतलब सुबह से शाम तक अपना काम का जो रूटीन है जनरली वो किस तरह का रखते हो वो क्या सिस्टम क्या है <laughs> देखिए बहुत सारे लोगों के उनमें ये प्रश्न होता है कि भाई अगर बिज़नेस कोच है हाँ. तो फुल टाइम बिजनेस कोचिंग करते होंगे बिजनेस ओनर है तो फुल टाइम बिज़नेस करता होगा बंदा हाँ. फिटनेस पे कब टाइम लगाता होगा तो लाइफ को ना आप जब चाहे जेहे चाहे बैलेंस कर सकते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स सबके लिए सेम है आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने प्रायोरिटी किस चीज़ को दी है और अपना टाइम शेड्यूल कैसे करते हैं तो जर्नली सुबह मैं साढ़े चार पौने पाँच बजे के आसपास उठता हूँ एग्जैक्ट चार बजकर पचास मिनट पर मैं उठता हूँ उठने के बाद अपना डेली रूटीन जो होता है वो किया और छः साढ़े छः बजे मैं जिम पहुँचता हूँ साढ़े आठ बजे तक जिम करता हूँ घर पर आए फ्रेश हुए ब्रेकफास्ट लिए और दस बजे अपने शोरूम पर मेरा सीधा नियम है कि दस बजे से लेकर जब तक मेरा रूटीन वर्क कम्प्लीट नहीं होगा तब तक मैं कोई और दूसरा टास्क नहीं करूँगा तो शोरूम का पूरा जो सिस्टम है वो ऑपरेट करना मैनेज करना टीम को पूरा डिवीज़न में अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको उनका टास्क देना और उसके बाद में टाइम पर अपना लंच करना एक व्यापारियों के साथ प्रॉब्लम रहती है कि वो टाइम पर लंच नहीं करते कहते आज तो लंच करने में चार बज गए आज तो पाँच बज गए ज़मीन खिसक जाए या तूफान आ जाए मैं अपना लंच अपने टाइम पर करता हूँ लड़ाई रोटी की है लड़ाई रोटी की है <laughs> <laughs> तो रोटी टाइम पर नहीं लेंगे तो फायदा क्या है तो लंच डाइट करने के बाद फिर रूटीन वर्क पूरा करते हैं उसके बाद में लगभग शाम को साढ़े छः पौने सात बजे हम लोग शोरूम से निकलते हैं जिम पहुंचते हैं वर्कआउट करते हैं ये जो मैंने ऑफिस वर्क बताया इसी ड्यूरेशन में बाकी सारे काम भी होते हैं वीडियो बनाना है या कहीं कोई इंटरव्यू करना है कहीं पर कोई कोई इवेंट करना है ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्कशॉप सेमिनार्स करने हैं ऑनलाइन क्लासेस करनी है सभी को उन प्रायोरिटी के हिसाब से बांटा जाता है टाइम को बस सबसे इंपॉर्टेंट है कि चार से पाँच घंटे का समय मैं नियमित अपने लिए जरूर निकालता हूँ तो आपको नहीं देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है मेरे पास काफ़ी बिजनेस मैन जो हैं वो भी आते हैं काफ़ी स्टार्टअप्स भी हैं वो भी आते हैं लेकिन बट जब से बड़ी प्रॉब्लम लोगों को जो मुझे देखने में आई है वो रहता है कि उनको पर्सनल लाइफ और जो प्रोफेशनल लाइफ है ना उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है अब जैसे आपने बताया कि मैं सुबह चार बजे से पहले उठ रहा हूँ और रात लेट नाइट तक आप काम कर रहे हो जो मैं खुद भी देखता हूँ आपको करते हुए तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हो बेसिकली घर में बीवी बच्चे भी हैं काम भी है और भी चीज़ें हैं तो कैसे मैनेज करते हो बाकी मतलब बहुत लोग नहीं कर पाते हैं चीज़ देखिए बिल्कुल रूटीन है मैंने आपको बताया कि शाम को रात को दस बजे मैं घर पहुँचता हूँ ज़्यादातर व्यापारी लोग जो भी हैं वो भी चाहे पूरा दिन व्यापार में निकाल दें चाहे दोस्तों में निकाल दें चाहे किसी फंक्शन प्रोग्राम में निकाल दें दस से ग्यारह के बीच में सभी घर पहुँच जाते हैं तो मैं भी साढ़े से दस के बीच में घर पहुँचता हूँ दो घंटे का समय डेढ़ घंटे का समय फैमिली के साथ जरूर बताते हैं अपना डिनर टाइम पर फैमिली के साथ करते हैं और वीकली ऑफ़ ज़्यादातर सभी करते हैं तो वीकली ऑफ़ में हम हमारी फैमिली के साथ फुल टाइम स्पेंड करते हैं ऐसा नहीं है कि छुट्टी है तो पूरे दिन सो रहे हैं फैमिली को टाइम नहीं दिया हमारी फैमिली में, में मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सारे फिटनेस फ्रीक हो गए तो हमारा सारा डिस्कशन एक जैसा होता है जब डिस्कशन एक जैसा होता है ना तो एटमोस्फेर एक जैसा बन जाता है हम लोग छोटी छोटी ट्रिप्स कर लेते हैं जैसे वन डे पिकनिक कर लिया अब वन डे पिकनिक करने में ज़रूरी नहीं कि आप हज़ारों रुपए खर्च करेंगे तभी आप इन्जॉय कर पाएंगे आपकी फैमिली के साथ खुशनुमा पल अगर आपके पास हैं तो वो कुछ पैसे में भी किया जा सकते हैं जैसे हमने पिकनिक ट्रिप कर लिया पार्क जाने के लिए जैसे हम लोधी गार्डन चले गए अब लोधी गार्डन जाने में कोई पैसे थोड़े लगने हैं और अपने घर का खाना ले गए क्योंकि सब फिटनेस फ्री हैं तो आउटसाइड डिनर या लंच तो करेंगे बचपन में जैसे पिकनिक वाला जैसे बचपन में पहले पिकनिक हुआ करती थी घर वालों के साथ जाते पेरेंट्स क्या कहते थे तो चलो बेटा आज पार्क चलेंगे दरी भी लेके जाएंगे वहीं बिछाएंगे वहीं खाएंगे पियएंगे खेलेंगे कूदेंगे तो वो जो एक दिन का समय होता है ना वो लाइफ में एक ऐसा मतलब इतनी एनर्जी बूस्ट कर देता है कि आपको लगता है कि यार हम तो हमारी फैमिली के लिए डेडिकेटेड है और अपने बच्चों के बर्थडे उनकी पार्टीज़ उनके एनिवर्स जो भी उनके सेलिब्रेशन होते हैं छोटे चुट चुट छोटे उनको अच्छे से आप इन्जॉय करते हैं ना तो फैमिली को कभी नहीं लगता कि आप उनको टाइम नहीं देते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से अपने समय को फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप मूड करते रहेंगे तो आप हमेशा सभी के लिए एक जैसे रहेंगे यही बात दोस्तों पर लागू होती है सपोज अगर किसी दोस्त का बर्थडे जैसे आपका ही बर्थडे था तो मुझे लगा कि यार दोस्त का बर्थडे जिम प्रायोरिटी है दोस्त का बर्थडे प्रायोरिटी दोनों ही प्रायोरिटी है लेकिन बर्थडे साल में एक बार आना है और जिम तीन दिन जाना है तो तीन नहीं करना सिर्फ समय बढ़ा लेना है या घटा लेना है कि दो घंटे शोरूम पर कम काम कर लेंगे अगले दिन दो घंटे ज्यादा कर लेंगे तो वो टाइम अपने दोस्तों के साथ भी इंजॉय किया देखो दोस्तों की तो जो चीज़ मैंने देखी है जो दोस्तों के साथ होता है कि अगर आप चार साल पांच साल बाद भी किसी पुराने दोस्त से मिलते हो जी। स्पेशली जो आपके कॉलेज या स्कूल के दोस्त हैं तो उनके साथ तो आपकी बातचीत उसी पल से शुरू हो जाती है जो दस साल पहले बिल्कुल ठीक बात है वो कनेक्टिविटी तो बनी रहती है हमेशा और लेकिन मैंने एक चीज़ देखी आपको जैसे आप मल्टी फेसिटेड काम कर रहे हो आप जब अपना सेमिनार्स होते हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग के आपके बिजनेस ट्रेनिंग्स होती हैं जो काम कर रहे हो और जो उसके अलावा अपना फिटनेस वाला भी है और अपना खुद के जो बिजनेस चल रहे हैं मेजोरिटी जो टाइम है आपका महीने में अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ऐसा तो है नहीं कि आप सात सात दिन वाला काम करोगे लेकिन मेजोरिटी टाइम जो है वो सबसे ज्यादा किस चीज में जाता है इस चीज़ को सबसे ज्यादा मेरा जो टाइम है वो बिजनेस में जाता है बिजनेस में जाता है मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम कैलकुलेट करें तो चार से छह घंटे पर डे मैं अपने बिजनेस में अपने शोरूम के एक्सपेंशन में फ्रेंचाइजी में अपनी फैक्ट्री को और नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाना है अपने प्रोडक्ट में क्या डेवलपमेंट करना है अपने बिजनेस में फ्रेंचाइज डेवलपमेंट के साथ साथ सेल्स को कैसे बूम करना है स्टाफ को कैसे मैनेज करना है टीम को कैसे डेवलप करना है और एक और बात बताता हूँ लोग कहते ना कि समय की कमी है इस पूरी ड्यूरेशन में एक घंटा में दिन में सोता भी हूँ अच्छा ये मेरा डेली रूटीन है कि एक घंटे मुझे दिन में रिलैक्स जरूर करना है इसलिए रात को कम सो के सुबह जल्दी उठ पाते हूं। हाँ मोदी जी से किसी ने पूछा था कि आप रात को बारह बजे सोते सुबह चार बजे वो कहते हैं मैं उठ जाता हूँ कह यार आप तो चार ही घंटे सोते हैं कह किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि दिन में क्या करते हो तो मैं दिन में भी सोता हूँ बहुत बढ़िया तो अच्छा एक चीज और बताइए जैसे आप बिजनेस कोचिंग का आपका है से बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं जो बिजनेस कोच में कोचिंग में काम होता है आपका तो उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल क्या है देखो तो सबसे ज्यादा पूछा जाना सवाल है ना हाँ। वो चार पांच ऐसे कॉमन सवाल है जो हर बिजनेस ओनर पूछना चाहता है हाँ। जैसे कि बिजनेस में समय का मैनेजमेंट मैं कैसे करूं वो हमेशा बिजनेस में ना फंसा रहता है तो मैं एक बात पूछता हूँ आप मुझे बताएं आपकी सोल प्रोपरेटरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है पब्लिक लिमिटेड भी बहुत सारे लोगों की है वो थोड़ा डिफरेंट लेवल के सीईओ हैं डायरेक्टर्स हैं और जो बड़े लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं लेकिन स्मॉल स्केल पर जो कर रहा है ना ज्यादा तो वो फर्म चला रहा है वो भी अनऑर्गेनाइज तरीके से उसको लगता है कि मैंने ऑर्गेनाइज करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली मैंने कहा अच्छा मुझे आप एक बात बताएं आपके बिजनेस में कौन कौन सा ऑपरेशन आप देखते हैं कहते तो सारा ही देखते हैं हम सेल्स भी देखते हैं मार्केटिंग भी देखते हैं हम ऑपरेशन भी देखते हैं मैनेजमेंट भी देखते हैं हम एडमिन भी देखते हैं बिजनेस की प्रॉब्लम्स भी देखते हैं मन का लेकिन आपकी डेजिग्नेशन तो डायरेक्टर की है डायरेक्टर का मतलब होता है निर्देशक आपका काम निर्देशन करना है काम करना नहीं है तो पहली प्रॉब्लम तो यही आती है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि बिजनेस में टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है दूसरी प्रॉब्लम आती है उनके पास फाइनेंस की कि हम बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जाना चाहते हैं तो हम कैसे फंड इकट्ठा करें हम स्टार्टअप फंडिंग इवेंट में जाके फंड मांगें हम बैंक से लोन लें या हम किसी इन्वेस्टर को साथ लें या अपनी इक्विटी सेल आउट करें ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है बिजनेस ओनर का तीसरा सबसे बड़ा जो प्रश्न उनके सामने आता है वो ये आता है कि भी अपने बिजनेस में हम किस तरह से कॉम्पिटिटर से फाइट कर पाए क्योंकि वो एक ही चीज़ पर ध्यान लगा रखते हैं कि प्राइज कॉम्पिटिशन जो बिजनेस ओनर प्राइज कॉम्पिटिशन पर काम करता है ना वो कभी आगे तरक्की नहीं कर पाता सर्वाइवल करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है प्राइस वॉर में तो आपको प्राइस घटाना ही पड़ेगा हमेशा तो उनके लिए मैं एक बात बीच में यहाँ बता भी देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कंज्यूमर ना तीन तरह का होता है एक होता है प्राइस कॉन्शियस ब्रांड कॉन्शियस और क्वालिटी कॉन्शियस जो कंज्यूमर प्राइस कॉन्शियस है वो कभी भी बिजनेस ओनर को आगे बढ़ने ही नहीं देगा क्योंकि वो सस्ते सस्ता प्रोडक्ट ढूंढता है और जब आप सस्ता करते हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट सस्ती नहीं होती सिर्फ माल घटिया कर सकते हैं आप जिसकी वजह से आप जीत नहीं पाते हैं एक कंज्यूमर वो होता है जो ब्रांड कॉन्शियस है तो जो लोग अपने प्राइस कॉन्शियस वॉर में फंसे रहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते जो अपने बिजनेस को ब्रांड कॉन्शियस कंज्यूमर के लिए डेवलप कर लेते हैं वो प्रीमियम मार्जिन कमाते हैं और तीसरा क्लाइंट होता है क्वालिटी कॉन्शियस जो हमेशा क्वालिटी को फोकस करता है उसको ब्रांड से मतलब नहीं है तो ये प्रॉब्लम बिजनेस ओनर के सामने होती है कि मैं मार्केट में कैसे कॉम्पीट करूँ तो मैं कहता हूं कि भाई आप सौ में से केवल तैतीस क्लाइंट के पीछे भाग रहे हैं छियासठ प्रतिशत छियासठ पॉइंट नौ नौ प्रतिशत क्लाइंट को आप छोड़ रहे हैं वो कौन है ब्रांड कॉन्शियस है और क्वालिटी कॉन्शियस आप जब इन दोनों को पकड़ोगे तो व्यापार में तरक्की होगी ही होगी तो ये कॉमन क्वेश्चन आता है

कोई भी बीमारी हो जाए उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करें ये कोई बढ़िया बात नहीं है आप अपने आप को ऐसी लाइफ में लेके जाएं ऐसे लाइफ स्टाइल में लेके जाएं कि आपको बीमारी होए ना ठीक इसका मतलब व्यापार में भी ऐसा होता है आप अपने बिजनेस को सब सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे ना आपके लाइसेंसिंग है आपके प्रोसेस हैं आपका डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं आप ऑलरेडी आप खुद मेरी कंपनी के लिए सब कुछ करके मुझे देते हैं तो हमारी मेरे मेरी और मेरे लिंक्स में जितने लोग हैं उन सबकी कंपनीज के लिए यही करके देते हैं तो लोग कंप्लाइंसिस को पूरा नहीं करते हैं जिसकी वजह से स्टार्टअप जब वो आगे बढ़ना शुरू करता है ना तो बहुत सारे लोग आते हैं सपोर्ट के लिए जैसे जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वही लोग उसको खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं फिर फाइट केवल अपने लोगों से नहीं फाइट कॉम्पिटिटर से भी होती है और कॉम्पिटिटर से नहीं जॉइंट से भी होती है उस बिजनेस के जो धुरंधर मगरमच्छ बैठे हैं ना वो आपको निगलने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा तो उसके लिए ज़रूरत है लीगल कंप्लाइंसेज की उसके लिए आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं तो स्टार्टअप को अपने बिजनेस के सिस्टम को लीगलाइज करने के बाद सिस्टमेटिक करने के बाद जरूरत है सेल्स को फोकस करने की कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हुए प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने की मैं एक बहुत अच्छा किस्सा आपको इसके बीच में बताता हूँ काफ़ी लोग सोचते हैं कि बड़े बिजनेसेस जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना उनकी शुरुआत बड़े लेवल से होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप ब्रांड्स की सक्सेस स्टोरी देखेंगे ना तो हर ब्रांड कहीं ना कहीं कोई, कोई गैराज से शुरू हुआ है कोई अपने स्टॉक यार्ड से शुरू हुआ है कोई अपने बेडरूम से ही शुरू हुआ है मतलब धीरे धीरे करके लोगों ने व्यापार खड़ा किया है एक कहानी मैंने अपने चैनल पर भी बताई थी एक व्यक्ति था उसके मन में एक सपना था कि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर हो ना वो मेरे द्वारा बनाए गए जूते पहने अब ऐसा तो संभव है नहीं कि सारे गेम एक जैसे हैं कहीं फुटबॉल मैच हो रहा है कहीं क्रिकेट हो रहा है कहीं रनिंग हो रहा है कहीं और दूसरी एक्टिविटी हो रही है तो वो क्या करता था कि वो जो प्रोडक्ट जो भी डेवलप करता था मान लीजिए रनिंग वाले शू बनाए हैं तो स्पोर्ट्स प्लेयर को जब वो देता था ना उनको पहनने के बाद उनके रिव्यू लेता था कि मेरे जूते को पहनकर क्या क्या परेशानी आ रही है फिर उनको इम्प्रूव करता था जैसे फुटबॉल खेलते समय जो रनिंग के शूज है वो फिसलते हैं वो रनिंग में बहुत बेस्ट है पर फुटबॉल में वो फेल है तो वो पूछता रहा कि आपको कैसा जूता चाहिए कि जो फिसले ना तो उसने स्पाइक वाले जूते बनाए कांटे वाले जिसको बोलते हैं ताकि फुटबॉल खेलते समय वो ना आज स्टैंडर्ड ठीक है ना धीरे 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 उस व्यक्ति ने एक ब्रांड बनाया जिसका नाम था डेस्लर शू तो एक व्यक्ति था रुडोल्फ डेस्लर जिसने डेस्लर शू बनाया था और करते करते अपने घर से काम करते करते उसकी इतनी बड़ी फैक्ट्री हो गई इतना बड़ा प्लांट हो गया कि उसकी कंट्री के लगभग सभी प्लेयर्स अलग अलग फील्ड के उसी के शू पहना करते थे लेकिन कहते हैं ना जब आप आगे बढ़ते हैं ना प्रॉब्लम आ जाती हैं तो जब वो बड़े हुए दो भाई थे रुडोल्फ डेस्लर और एडोल्फ डेस्लर जब वो दोनों बड़े हुए तो उनके बीच में एक मतलब डिस्प्यूट हो गया अब प्रॉब्लम ये है कि डेस्लर शू एक बड़ा ब्रांड बन गया है अब बड़ा ब्रांड बनने के बाद उस ब्रांड का की ओनरशिप कौन ले छोटा भाई या बड़ा भाई तो उनकी माँ ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है अच्छा प्रोडक्ट बनाने की तो आप अच्छा ब्रांड भी बना सकते हैं ध्यान से समझिएगा इसमें एक लर्निंग क्या है वो मैं बताऊंगा अभी कि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं तो अच्छा ब्रांड भी बना सकते हैं बशरते आपको एक तरीका वो पता हो कि ब्रांड कैसे बनेगा तो माँ ने कहा कि ये रुडोल्फ डेस्लर एडोल्फ डेस्लर दोनों में से किसी को डेस्लर नाम नहीं मिलेगा इस डेस्लर नाम को आज ही खत्म करते हैं तुम अपना अलग ब्रांड बनाओ तुम अपना अलग ब्रांड बनाओ तो पहला ब्रांड बना एडिडास रुडोल्फ डेस्लर ने एडिडास बनाया और दूसरे भाई ने प्यूमा बनाया और वो कंपनी दोनों तेजी से डेवलप होने लगी बाद में उन्होंने नाइकी को भी खरीद लिया तो कहने का मतलब यह है कि आप इस बात को बिल्कुल भूल जाए कि आप स्टार्टअप हैं और आगे नहीं बढ़ पाएंगे या बहुत बड़े लेवल पे हैं तो अब आपको नेक्स्ट जाने के लिए उसी नाम को लेकर चलना पड़ेगा आपके पास अगर काबिलियत अच्छा प्रोडक्ट बनाने की अच्छी क्वालिटी सर्व करने की कंज्यूमर की प्रॉब्लम को समझने की और ब्रांड बिल्डिंग करने की और मार्केटिंग करने की तो आप कभी भी नया ब्रांड खड़ा कर सकते हैं अगर आप पिछले दस साल को उठा के देखेंगे ना तो बिल्कुल नए नए नाम मार्केट में आए हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था सुना नहीं था वो बिजनेस बन चुके हैं वो इसका अच्छा है रेड बस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और फूड पांडा स्विगी जोमेटो हजारों ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसको आप देखेंगे कि एक नया 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 बिजनेस ब्रांड सिस्टम डेवलप हुआ आजकल को तो नया कॉन्सेप्ट भी चल गया ना कि नया स्टार्टअप आता है उसको यूनिकॉर्न की जो उपाधि है वो चाहिए होती है बिल्कुल कि किस तरीके से आप डेवलप करोगे खुद को और किस तरीके से अपनी सेल्स बढ़ाओगे खुद ब्रांड बिल्डिंग वाला काम है लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है ना देखो जो मेरे पास लीगल में जो कोई चीज आती है जी तो मैं उनसे सबसे पहले चीज़ पूछता हूँ कि भाई आपने लीगली जैसे आपने बोला कि कंप्लाइंस क्या करनी होती है आपने कंप्लायंस नहीं कर रखी है तो अगर मान लो जैसे आपके पास कोई बिजनेस कोचिंग के लिए आता है या कुछ हेल्प के लिए आता है तो आप उसको क्या लीगल कंप्लाइंस के लिए बोलते हो भाई तेरी ये पाँच पॉइंट है तेरे को तो ये तो मस्ट है तेरे लिए देखो बेसिक पाँच पॉइंट जो उनके पास होने चाहिए नंबर वन जो उनकी फर्म है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए अगर सोल प्रोपेटरशिप है जर्नली लोग क्या करते हैं नाम रख लेते हैं बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं एफिडेविट देते हैं और फार्म बन जाते हैं तो फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट बनता है एक बिजनेस बिजनेस ओनर के लिए जब वो स्मॉल स्केल पर करता है तो ये हो गया दूसरा उसने जो नाम से ब्रांड से काम करना चाह रहा है आज उस नाम को कोई नहीं जानता उसको लगता है कि मैं इस पर खूब अच्छे से पैसा लगा लूंगा ब्रांड बड़ा कर लूंगा जैसे ही उसका ब्रांड मार्केट में चलता है तो उसके सिमिलर जो नेम होते हैं ना वो ऑब्जेक्शन डाल देते हैं कि बीस साल से तो हम इस बिजनेस को चला रहे हैं तो पहले ही दिन अपनी फर्म को रजिस्टर कराएं जो ब्रांड आप बनाना चाह रहे हैं उस ब्रांड को चेक कराएं लीगल अथॉरिटी से कि भाई यह ब्रांड कहीं रजिस्टर्ड तो नहीं है कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आएगा मतलब ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क के लिए फाइल करें ट्रेडमार्क के बाद अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो वो आपका रजिस्टर्ड ब्रांड हो जाएगा आर लिखा जाएगा तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी बिजनेस में आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए जो बिजनेस को लिंक करती है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन क्योंकि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग आप भी जो ये वीडियो देख रहे हैं जानकारी देख रहे हैं वो यूट्यूब या इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस को वेबसाइट के माध्यम से लोगों के पास लेके जाना पड़ेगा तो आपकी प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए टीम हायर करते समय टीम को हायर करने के जो कंप्लाइंसेज हैं जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए ट्रेन टीम देखो बहुत से लोग कहते हैं कि हम नया बंदा लाते हैं उसको सिखाते हैं और जब वो सीख जाता है तो भाग जाता है क्यों क्योंकि वो आपके पास आया ही सीखने था लेकिन अगर आप सीखा हुआ बंदा लाएंगे तो वो सीखने के लिए नहीं आया वो काम करने के लिए आया दूसरा कोई भी इम्प्लॉय केवल तभी जाता है जब वहाँ पर ग्रोथ पॉसिबिलिटी नहीं लगती है तो आपके बिजनेस की ग्रोथ अगर बहुत अच्छी है तो ग्रोथ पॉसिबिलिटी अच्छी होगी तो पहली चीज़ मैंने बताया है कि उनका फार्म रजिस्टर्ड होना चाहिए उनका ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए उनके पास प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए उनके पास राइट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और सेल्स के लिए सेल्स टीम होनी चाहिए कुछ लोग कहते हैं फैक्ट्री में मेरे पास बीस लोग हैं पूछता हूँ मार्केटिंग में कितने हैं कहते दो रेशो ही गलत है आपकी मार्केटिंग के जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा बैकअप का व फैक्ट्री का बढ़ता चला जाएगा क्योंकि सेल्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है तो सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास होते हैं तीनों तरह के कंज्यूमर के लिए ब्रांड कॉन्शियस क्वालिटी कॉन्शियस और प्राइस कॉन्शियस तीनों तरह के क्लाइंट को पकड़ के रखना है इसीलिए आज देखो बहुत सारे ब्रांड अपने एक ही ब्रांड के अंतर्गत और सिमिलर लो प्राइस के अलग अलग ब्रांड निकाल देते हैं इको फ्रेंडली अलग निकाल देते हैं एडिशन अलग एडिशन और निकाल देते हैं लिमिटेड एडिशन अलग निकाल देते हैं कार में भी देख लो ये गाड़ी के चार वेरियंट होते हैं तो वो प्राइस कॉन्शियस एक क्वालिटी जिसको सारे फीचर चाहिए बीच में है ना कम वाले ना ज़्यादा वाले और एक ब्रांड कॉन्शियस हो तीनों तरह के कंज्यूमर को पकड़ के रखना चाहिए ये मैं गाइड करता हूँ ये पांच चीज़ें अगर आपके अंदर ये गुण हैं तो आप किसी भी बिजनेस में किसी भी इंडस्ट्री में सफलता हासिल कर सकते हैं तो जैसे भी जो बहुत सारी कंपनीज हैं उनके साथ ना बड़ी इशू रहता है वो कहते हैं कि हमारा इम्प्लॉई हमने आया था जैसे आपने बताया कि वो ट्रेन किया हमने वो पाँच महीने छः महीने उसने सब कुछ सीखा कंपनी के नो हाउ ट्रेड सीक्रेट्स और जो टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज़ हो रही है वो सब है लेकिन मैंने देखा ना कि कई बार ना एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ा इशू है उसमें क्या करते हैं इंप्लॉयज़ आते हैं वो कहते हैं कि हम कंपनी में पाँच महीने छः महीने थे हमें लग रहा था कि हमारी वर्थ के हिसाब से यहाँ पे मैं जो रिलीफ है मतलब पैसा है या जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं हो रही है क्योंकि आपने देखा होगा कि टी जैसी बड़ी कंपनी में लोग कम सैलरी पर भी, भी काम करते हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में अच्छी अच्छी सैलरी पर भी नहीं काम करते थे बिल्कुल तो जो इंप्लॉय किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो कंपनी ज्वाइन करने से पहले अगर एम्प्लॉय कहता है कि यार मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करना है तो किस चीज का उसको ध्यान रखना चाहिए कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले क्या क्या चीज़ का ध्यान कहता क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि वो जो इंप्लॉय छोड़ के जाता है उसका नुकसान कंपनी को भी हो रहा है और लॉन्ग रन में उस इंप्लॉय को भी नुकसान हो रहा है क्योंकि जब वो कहीं और जॉब के लिए जाता है तो कहते हैं कि आपने सिर्फ पांच महीने टिके थे तो आप लॉयल तो नहीं हो कंपनी के लिए तो उस रिटेंशन के लिए एक बहुत अच्छा बताता बताओ अगर आप पुराने बिजनेस उठा के देखेंगे ना मतलब आज से बीस साल तीस साल पहले चालीस साल पचास साल पहले के बिजनेस देखेंगे तो वहाँ पर एक व्यापारी के पास ना जो बिजनेस ओनर होता था उसके पास दो दो तीन तीन जनरेशन से लोग काम कर रहे हैं जैसे मुनिम है वो अकाउंट सारा संभालते थे उनका बेटा है वो मुनिम बन गया उसकी काबिलियत अलग है तो वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया तो वो लॉयल्टी जो थी ना पहले वो लंबे समय तक रिटेन करती थी मैं एक दो चार दस बीस साल की बात नहीं कर रहा मैं जनरेशन की बात कर रहा हूँ लोग तीन तीन जनरेशन से एक ही कंपनी में काम कर रहे होते थे क्यों क्योंकि वहाँ पर ना उनको एक चीज़ मानते थे कि जो काम है ना वो मेरे लिए सर्वोपरि है लेकिन आज के समय पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहां ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई आप देखो एफ तक उठा के देख लो एफ पर भी आप अगर आप सुनोगे ना एफ के जो पॉडकास्ट आ रहे हैं जो भी उसमें वो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो एम्प्लॉय को तो ऐसा दर्शा रहे हैं कि तू दुनिया का सबसे बड़ा गुना कर रहा है तू जो कर रहा है वो गलत है तू तो आप जिंदगी बर्बाद कर रहा है लेकिन सच में अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति के लिए इंप्लॉयमेंट भी बहुत बड़ी वैल्यू रखता है ये उस व्यक्ति से पूछो जिसकी पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेट है और सिर्फ इस लालच में कि एक जगह वो मान लीजिए एक लाख ले रहा था एक जगह एक लाख बीस हजार मिल रहे हैं लेकिन उसको पता है नहीं कि बीस हजार बढ़ने के बाद उसके साथ क्या क्या समस्या होने वाली है और ये भी नहीं पता कि वो कंपनी कितने समय तक रिटेन करेगी ऐसा भी होता है कंपनी को कर गई या अगले तीन महीने की सैलरी नहीं दी तो उसका बारह तीस छत्तीस तीन लाख साठ हजार का नुकसान है उसका पहले तो तीन लाख का नुकसान है जो उसको मिलने चाहिए थे बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से इम्प्लॉई वो रेत में दौड़ते हुए हिरन जो मृग को ढूंढ रहा होता है ना उसको कस्तूरी को या पानी की तलाश में होता है उस तलाश की तरह से भागता रहता है लेकिन एक ही व्यक्ति जो एक कंपनी में रिटेन रहता है ना वो लंबे समय में वहां भी उतनी ग्रोथ कर जाता है जितनी ग्रोथ एक व्यक्ति कंपनीज चेंज कर करके कर पाता है लेकिन कंपनीज को लगातार चेंज करना कोई राइट सॉल्यूशन नहीं है मेरी निगाह में जो मुझे लगता है कि एक ही जगह पर रह के आप ज्यादा व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सकते हैं बशर्ते आपके अंदर बढ़ने की काबिलियत हो हर व्यक्ति को एक कड़वा सच में आप लोग आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ मुझे मैं एक गुरु से मिला तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही एक व्यक्ति उनसे बात कर रहा था कह रहा गुरु मेरी जो काबिलियत है ना उसके हिसाब से मुझे पैसा कम मिलता है ये आप किसी से क्वेश्चन क्वेश्चन में आप लिख के दे दीजिए कि क्या आपको लगता है कि आपको आपकी क्षमता से कम पैसा मिलता है हर एक व्यक्ति कहेगा हाँ मेरी क्षमता ज्यादा है मेरी काबिलियत ज्यादा है लेकिन कड़वा सच ये है कि हर व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितनी उसके औकात होती है ये तो हो गया कड़वा वर्ग बहुत बड़ी बात है एक व्यक्ति को केवल उतना ही मिलता है जितना वो डिजर्व करता है जितनी काबिलियत उसके अंदर होती है और ना वो व्यक्ति बहुत आगे होता ना बहुत पीछे होता उसके समय के हिसाब से जहाँ उसको होना चाहिए था ठीक एक इंच ना इधर ना एक इंच उधर वो वहीं है जहाँ उसको होना चाहिए था तो ये बात लोग स्वीकार नहीं करते लोगों का भ्रम रहता है कि अगर मैं यहाँ होता तो वहां होता यहाँ होता तो ऐसा होता मेरा मेरे पिताजी ऐसे होते तो मैं ऐसा तो होता, होता। था था। नहीं तो पता नहीं क्या क्या होता।, होता की तो, तो कोई लिमिटेशन ही, ही, ही नहीं है ना तो सपने तो, 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 तो कोई भी देख सकता है सपने देखना अच्छी बात है पर वास्तविक परिस्थिति को समझते हुए ये भी जानना कि मेरी काबिलियत कितनी है उसके हिसाब से मैं जाऊँगा मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ देखो अभी मेरे पास ना क्वेश्चन आया कुछ टाइम पहले एक लड़का है पुणे का वो कहता है कि आ, सर मैं किसी कंपनी में गया था ज्वाइन करने के लिए अब उन्नीस साल का लड़का है मतलब नया नया सर मतलब ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई और ये क्वेश्चन ना बड़ा कॉमन है उन्नीस साल से चौबीस साल के लोगों का वो कहते हैं कि हम कंपनी में ज्वाइन करने गए तो कंपनी में ज्वाइन करने के बाद हमें पता लगा कि कंपनी तो बेसिकली एक्सप्लॉटेशन कर रही है एक तरीके से ना तो ओवर टाइम दे रही है आठ घंटे बोल के बारह घंटे काम हो रहा है ट्रैवलिंग के लिए कम बोला था ट्रैवलिंग के लिए ऑफ ज़्यादा चल रहा है मामला उसके अलावा कंपनी वाले क्या करते हैं कि वो एफ एन एफ रोक लेते हैं एक्सपीरियंस लेटर रोक लेते हैं कई बार सैलरी भी कहते हैं कि हम दे डेढ़ डेढ़ महीने की रोक के रूप में मान लो कोई बीस साल का या इक्कीस साल का कोई लड़का है और वो किसी कंपनी को ज्वाइन करने जाता है क्योंकि देखो आपका तो कंपनीज में ऑलरेडी जहां तक मुझे पता है कि आप पता है आपको इनसाइड स्टोरी पता है तो अगर वो ज्वाइन करने के लिए जाता है तो आप उसको क्या सजेस्ट करते हो कि भाई अगर तू वहाँ कंपनी ज्वाइन करने जा रहा है तो ये चार चीजों का ध्यान रखियो अगर इनमें से कोई नेगेटिव होती है तो कंपनी ज्वाइन मत कर बिल्कुल क्योंकि अल्टीमेटली क्या है वो अपना भी टाइम खराब करेगा बिल्कुल कंपनी का भी टाइम खराब करेगा होगा क्या कि उसको उस तरीके की इम्प्लॉयमेंट में ना एक नेगेटिविटी जनरेट हो जाती है लोगों के अंदर तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो देखो पहली बात जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं ना तो विद इन सेवन डेज हमें उस कंपनी का एटमोस्फेयर पता लग जाता है कि वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने कम्फर्टेबल हैं कई बार क्या होता है कि हम एक नए परिवार में गए हैं नई जगह पर गए हैं हम अभी उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे पर हमें ये देख के तो पता लग जाता है कि बाकी लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका इन्वॉमेंट कैसा है क्या उनका वर्क प्रेशर है या नहीं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कई कंपनीज ऐसी हैं जहाँ वर्क प्रेशर नहीं है एक व्यक्ति को ओपनली छोड़ा हुआ है आपकी योग्यता आपकी काबिलियत आप अच्छे से काम करो कोई चीज़ अपग्रेड करनी होगी तो दी विल गाइड यू फॉर दैट कि भाई ये चीज़ ऐसे अपग्रेड कर लो कई बार क्या होता है कि लोगों को वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उनकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम उनको दे देते हैं या उनके अंदर कैपेबिलिटी तो है पर उनको वर्क लोड कर दिया जाता है कि जैसे सात बजे तक का काम है कह रहे नहीं जी ग्यारह बजे तक आज तो ख़त्म करना ही करना है काम खत्म कभी नहीं होता हम कहते हैं ना शाम को सात बजे का टाइम है काम अगर बजे तक कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा इसका मतलब कल से अब ये काम होना ही नहीं है मैं जिम में भी आखिरी से शुरू हो जाएगा तो ऐसा नहीं है आप मतलब टाइम ड्यूरेशन को देख रहे हैं तो हाँ होता है कभी आधा घंटा एक घंटे का कोई फर्क पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है पर जनरली आपका टाइम शेड्यूल बिल्कुल ठीक होना चाहिए कंपनी में ऐसी देखो जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट आपको अच्छा मिले वर्क प्रेशर ना हो सैलरी टाइम पर सैलरी टाइम का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि डेढ़ महीने दो महीने तीन, तीन तीन महीने लेट हो रही है हां सैलरी दो दिन पांच दिन सात दिन आगे पीछे चलता है जर्नली कंपनीज में जिसकी एक महीने की एक एक तरीक की सैलरी है उसको दस तरीक को क्रेडिट होता है तो दस दिन एक गैस पीरियड माना जाता है ताकि इंप्लॉय भी कभी छोड़ के जाए तो कंपनी को पता हो कि टन डेज सैलरी वो इंफॉर्मेशन देकर जाएगा तो ये बेसिक चीजें होती हैं नंबर वन इन्वॉर्मेंट अच्छा हो नंबर टू वहां पर वर्क प्रेशर ज़्यादा ना हो इसके अलावा वहां पर उनको सैलरी टाइमली मिले टाइमली इन द सेंस फाइव टू तो टेन डेज़ का जो वेरिएशन है लोग कहते ना अरे मुझे तो लेट मिलती है कितनी लेट मिलती है भाई भाई मुझे तो नौ दिन लेट मिलती है ये लेट नहीं है ये कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके हिसाब से सैलरी मिलती तो है मेजोरिटी कंपनी मेजोरिटीज़ का है दस दिन का तो सबका ही है अगर कोई कम कर रहा है तो वो और ज़्यादा बेस्ट है कोई ये 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 बोले सात दिन में दे रहे हैं कोई बोले हम पाँच दिन में दे रहे हैं तो वो और ज़्यादा बेस्ट है फाइन और दूसरा आपको एक ग्रोथ पॉसिबिलिटी दिखे कि हाँ अगर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मेरी काबिलत में इजाफा हो रहा है अब समस्या क्या है कि हर एम्प्लॉई ये सोचता है मेरी काबिलियत में इजाफा हो रहा है वो अगर दो काम कर रहा है सोचता है मैं दो काम कर रहा हूं वो दो नहीं कर रहा होता एक ही काम कर रहा होता है एनी पर्सन कैन बी बी मल्टी टैलेंटेड बट कांट जैसे जिस समय समय आप आप लिख रहे होंगे उस समय आप स्क्रीन पर शेयर मार्केट को नहीं देख रहे होंगे या जब देखेंगे तो लिखेंगे नहीं जब लिखेंगे तब देखेंगे नहीं जैसे अगर ड्राइवर ये कहे तो जहां आप ध्यान लगाओगे हाँ, सिर्फ आपका मेरा ड्राइवर ये कहे कि सर अब तो मैं आपका अकाउंट्स भी संभाल लेता हूँ तो मुझे अकाउंट्स की भी सैलरी चाहिए तो बेटा जिस टाइम तुम गाड़ी चला रहे होते, होते।, होते, होते। तो भविष्य में अगर आप कभी जाओगे तो आप अकाउंटेंट की जॉब भी स्विच कर सकते हैं तो ये भ्रम कई बार इंप्लाइज को भी होता है कि भाई मैं मल्टी टास्किंग हो गया हूं टास्किंग मल्टी टास्किंग नहीं होता मल्टी टैलेंटेड हो सकता है और ऐसे व्यक्ति को तो उस कंपनी में ज्यादा समय टिकना चाहिए जहां उसको मल्टी टैलेंटेड होने की अपॉर्चुनिटी मिले कॉर्पोरेट्स में एक बाउंडेशन पता है क्या है किसी भी एक एम्प्लॉय को एक टास्क के अलावा दूसरी चीज सीखने नहीं देते इंटेंशनली सीखने वो नहीं, नहीं देते दे 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 दे, एक ही डिपार्टमेंट में रखते हैं चाहे वहां काम हो चाहे ना हो हाँ। और लोग सोचते हैं बहुत अच्छी बात है इंप्लॉय सोचता है मेरी कंपनी बढ़िया है जब काम होता है तो मैं करता हूँ नहीं होता तो खाली बैठता हूँ सोचो कि इस कंपनी ने उसको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी को पहले ही रोक दिया है कि बेटा तुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे तेरे को एक टास्क है फुल टाइम कर या मत कर या खाली बैठ आपने ना एक बीच में मुझे चीज याद दिला दी मान लो जैसे आप किसी कंपनी में चले गए आपने बोला कि मुझे यहाँ पे कंपनी के जो एम्प्लॉज हैं उनके लिए आपने सेशन किया जी उसमें जो इम्प्लॉय होते हैं जनरली जी उनका सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन क्या होता है एक क्वेश्चन की वो सबसे ज्यादा आपके सामने आता है कि वो आपसे पूछ रहे होते हैं चीज़ को कोई सबसे सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन यही पूछते हैं कि सर ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी जो काबिलियत है उससे पैसे हमें कम मिल रहे हैं ज्यादा आप क्या डिजर्व करते हैं कि सर मुझे लगता है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना मैं लगभग इससे दुगना डिजर्व करता हूँ हाँ। मन का अगर आप डिज़र्व करते हो उससे दुगने पर ही होते चाहे यहाँ होते या कहीं और होते हाँ। आप ही की कंपनी में आप ही की पोस्ट के साथ में कोई एक और इम्प्लॉ आएगा जो आपसे डबल पैसे लेगा अब देखो आपने इसी चीज़ पे ना मुझे एक चीज़ और याद दिला दी आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो जी और मुझे ना काफ़ी टाइम पहले एक किसी सेमिनार में जाने का मौका मिला तो वहाँ मोटिवेशनल स्पीकर है कोई नाम नहीं बताऊँगा जी और मैं वहाँ गया मैं एक घंटे बैठा वहाँ पे मतलब तीन आठ तीन चार घंटे का प्रोग्राम था और मैं देख रहा था कि वहाँ शुरू के एक डेढ़ घंटे जितने भी लोग बैठे थे जी सब मोटिवेट होने की वजह डिमोटिवेट हो रहे थे बात <laughs> ही उन्होंने शुरू कर दिया भाई ये ये कमी है ये ये प्रॉब्लम है तो अब मैंने देखा कई बार ऐसा क्यों होता है कि मतलब आप किसी सेमिनार में वर्कशॉप में जा रहे हो और जो मोटिवेशनल स्पीकर वो है वो डिमोटिवेट पहले क्यों करते हैं चीजों के लिए क्या होता है कमियां बताओ आइडियलिस्टिक तो लाइफ हो नहीं सकती किसी की मतलब वट आई हैव सीन कि यू कांट बी लिविंग इन आइडियलिस्टिक वर्ल्ड आइडियलिस्टिक चीजें हों अब कुछ लोग एक्सेप्शन होते हैं जो रूटीन फॉलो कर लेते हैं जैसे आप कर लेते हो सब लोग तो नहीं कर पाते मेजोरिटी लोग तो वही हैं कि भाई मैं आराम से उठूंगा, आराम से से उठूंगा देखो मैं अब आपसे एक बात पूछता हाँ। मान लीजिए आप एक कर, आप जिम फ्रिक नहीं है आप कभी जिम नहीं गए आप पहले दिन जिम जाते हैं आपको दो लोग दिखाई देते हैं एक बंदा नॉर्मल फिजिक का है बिल्कुल ठीक ठाक है मतलब बॉडी बिल्डर भी नहीं है आपकी बॉडी से थोड़ा सा कम है देखने में आपको लगता है यार ये तो इससे बढ़िया तो मैं ही हूँ ठीक है एक आपको दिखता है मस्कुलर हैंडसम बॉय जिसके बढ़िया बाइसेप्स हैं बढ़िया हाँ चेस्ट है और एकदम बिल्टअप ऐसा लग रहा है वो ये तो रोल मॉडल है ये तो ऐसा लग रहा है ऋतु रोशन का भी बाप है तो आपको कैसा फील होगा उसको देखकर ये डिपेंड करता है आपके माइंड सेट ऑब्वियसली ठीक है एक व्यक्ति में खड़ा हुआ था जिम में एक बॉडी बिल्डर खड़ा हुआ था उसको एक्सरसाइज करते हुए देखता है कहता कहते तो भैया आपने तो मुझे ना जिम में आते डिमोटिवेट कर दिया कह करे भाई कैसे यार आपको इतनी फिजिक है मेरे को देख के शर्म आ गई थोड़े ही दिन बाद एक बार उसी व्यक्ति के सामने कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ था करो भैया आपको देख के ना जोश आ गया फिर क्या भैया हम भी ऐसी डोले बनाएंगे हम भी ऐसी चेस्ट बनाएंगे हम भी ऐसे बिल्टअप बनाएंगे तो ये तो जो बैठा हुआ व्यक्ति है ना उसके प्रोस्पेक्टिव पर भी डिपेंड करता है और कई बार स्पीकर पर भी डिपेंड करता है वो कैसा कॉन्टेंट डिलीवर कर रहे हैं कई बार वो ऐसा कॉन्टेंट बोल देते हैं जो ऑडियंस को कोरिलेट नहीं कर रहा जैसे यंगस्टर का प्रोग्राम है और बात कर रहे हैं ओल्ड एज की ओल्ड एज का प्रोग्राम है बात कर रहे हैं अलग तरह है की तो स्पीकर की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो ऑडियंस को देखने के बाद जज करने के बाद विद इन टेन टू फिफ्टीन मिनट हमें पता लग जाता है हमारी ऑडियंस क्या है वो किस मोड में जाना चाहती है किस तरह की बात सुनना चाहती है कैसे मोटिवेट हो सकती है एक व्यक्ति को दोनों बातों कह के मोटिवेट किया जा सकता है किसी को बुरा बोल के मोटिवेट किया सकता है और उसी व्यक्ति को अच्छा बोल के मोटिवेट किया सकता है जैसे ये बात कह भी कह सकता है किसी को कि भाई ये क्या तरीका है यार तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल दम नहीं है जान नहीं है क्या हाल बना रखा है अपनी इससे से दस साल बड़े लग रहे हो और ये कह भी कह के भी कह सकता है कि आप अपनी ईद से दस साल बड़े लग रहे हो लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आप दस साल और छोटे लगने लग जाओगे तो ये तो स्पीकर पर भी डिपेंड करता है और ऑडियंस के माइंड सेट पर भी डिपेंड करता है किस माइंड को लेकर वो बात को सुन रहे हैं तो मोटा मोटी ये है कि जो आपके मन में है सामने वाला जो बोल रहा है बोलता रहे आपको वही परसीव होगा पिक है बिल्कुल वही होगा हाँ. मतलब कि मास्टर जी किसी को, को दूसरे को धमका रहे डर आपको लग रहा है हुँ. वो वाला सिस्टम है कई बार ना मैंने भी ये को और देखी ये चीज कि जब कोई बिजनेस कोचिंग में या मोटिवेशनल स्पीकिंग के प्रोग्राम्स में जाते हैं तो वहां पे जो स्पीकर हैं वो लिस्ट तो बता देते हैं कि भाई आपको जैसे आपने भी बताया कि भाई आपको लीगली कम्पलाय लीगल कम्पलायंस करनी बहुत जरूरी है अब एम्प्लॉई है एम्प्लॉई अगर अपना बिजनेस शुरू करता है तो एक बता महीने की इनकम है जो खत्म करके वो बेसिकली एक रिस्क वाले रिस्क वाले तो लेना पड़ता है बहुत जबरदस्त है और अभी तो थोड़े दिन पहले वो कोई सीरीज भी आई थी उस पर आपकी हर्षद मेहता पे जी उसने भी रिस्क के बारे में काफी कुछ बोला है कि जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते अगर जैसे स्टार्टअप्स आ गए आपके पास और मैं भी बोलता हूँ यूँ लोगों की लीगल कंप्लाइंस कर लो आप लीगल कंप्लायंस में आपकी जैसे इंप्लाइज के साथ लीगल कम्प्लाइंस अलग है आपकी गवर्नमेंट लीगल कम्प्लायंस अलग है आपकी वेंडर के साथ अलग है आपकी जो आपके क्लाइंट्स हैं कस्टमर्स हैं उनके साथ अलग है है जी क्या आपने ऐसा देखा है कि जो वो जो वो लीगल या एग्रीमेंट एक दूसरे के साथ कर रहे हैं तो मैंने तो देखा है कि डिस्प्यूट होता है कोर्ट में हम लड़ रहे होते हैं चीजों के लिए क्या आपने देखा है कि जो आप शुरुआत में किसी को सजेस्ट करते हो उसकी वजह से उनके जो लिटिगेशन है या जो लीगल प्रॉब्लम है वो कम हो गई हो बिल्कुल अब देखिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ मेरे क्लाइंट हैं वो फ्रेंचाइजी बिजनेस करने का प्लान कर रहे थे उनको लगा कि भाई मेरा क्लिनिक है उनका मतलब ब्रांड नाम नहीं बताऊंगा मैं क्लिनिक है उनका और उनका एक विज़न था कि भाई आने वाले दो साल में हम लगभग पचास क्लिनिक पूरे इंडिया में बनाएंगे स्टार्टिंग के फेस में जब मैंने उनको कंसल्ट किया उनको कोच किया उनको बताया है कि भाई सबसे पहला जो तो प्रोसेस है वो एक राइट बिजनेस प्रपोजल बनाने का है दूसरा प्रोसेस है कि जब हम किसी से एग्रीमेंट साइन करेंगे तो एन करेंगे ताकि आपने जब भाई अगर मैं आपको बिज़नेस बेचना चाहता हूं तो आप मुझसे बिज़नेस के बारे में सब कुछ पूछेंगे ना तो मैं आपसे एक एनडीए करूंगा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करूंगा कि मेरे बिजनेस का सीक्रेट आप किसी और से शेयर नहीं करेंगे तो दूसरा स्टेप क्या हुआ आप एनडीए बनाएंगे तीसरा स्टेप क्या हुआ जब हम बिजनेस का शुभारंभ करेंगे आप मुझे पैसा दे रहे हैं तो उसके एवज में मेरे पास कोई ना कोई टर्म्स होनी चाहिए तो हमारे पास बिजनेस का फ्रेंचाइजी प्रपोजल होना चाहिए तो उन्होंने कहा नहीं सर जो भी फ्रेंचाइजी शुरुआत में बन रहे हैं वो हमारे नोन है एक हमारे मामा के ताऊ के बेटे के भाई का लड़का है ऐसे करके एक रिलेशन बता दिया एक हमारे दोस्त के जीजा का बेटा है तो ऐसा कोई डिस्प्यूट आने वाला नहीं है तो उन्होंने अपने लेवल पे चार पांच फ्रेंचाइजी देसी तरीके से कि ठीक है नाम हमारा काम हमारा ब्रांड हमारा हमने फ्रेंचाइजी शुरू कर दिया मैं लीगल कंप्लाइंस के सवाल का जवाब आपको दे रहा हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि ना बाद में कर लेंगे तो क्या समस्या आती है जब चार पाँच हो गए तो अपने लोग तो खत्म हो गए इतने ही थे बनाने वाले फिर उन्होंने मार्केट में वो फ्रेंचाइजी देना शुरू किया तो पहले फिर कहा कि सर अब अब लीगल करते हैं तो लीगल करना शुरू करिए धीरे 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 अपने पूरे सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप किए डिस्प्यूट पता पहले कहाँ आया जिनके साथ उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किए थे उन्होंने कहा था आपने तो कहा था कि प्रॉफिट का दस परसेंट लेंगे पर अभी तो हम लॉस में बताओ आप कितना देंगे फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बिजनेस रिलेशन में फ्रेंचाइजी अपने बिजनेस का खुद ओनर है प्रॉफिट हो हो या लॉस उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है सिर्फ रिवेन्यू लेंगे हम टर्न का अगर एग्रीमेंट है अगर तो, एग्रीमेंट है तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन रिटर्न में है लेकिन वो सारी बातें वर्बली थी तो वही चार पांच लोग उनके ऊपर हावी हो गए और मजबूरन उनको उनको पैसे भी लौटाने पड़े उनका लॉस भी बियरअप करना पड़ा क्योंकि उन्होंने बाकी जो फ्रेंचाइजी बनाए थे उन पर गलत इंपैक्ट जा रहा था इनके पास फ्रेंचाइजी इनको डिस्टर्ब कर रही है तो आप समस्या आ जाने के बाद समाधान करेंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है अगर आप पहले से ही सही तरीके से करेंगे तो समस्या आएगी ही नहीं ये बात तो आप ऑलरेडी मोट, लॉ के मोटा अपने। वही है ना कि आप हेल्थ अच्छी रखनी है तो वॉक कर लो अच्छा न्यूट्रिशन रखो एक्सरसाइज कर लो और नहीं तो जब बीमार पड़ोगे तो ऑपरेशन डॉक्टर तो फिर तो भी वही लिख के देगा हाँ। क्यों हुई दाल का नहीं है हाँ। आपको वेजिटेबल लेनी है आपको फ्रूट्स लेने और साथ में क्या है कि अगर और खाद में पैसे भी लेगा बिल्कु... इस बात के मैं पैसे भी लूंगा हाँ। आपको क्या खाना है बीमारी पड़ गई तो ऑपरेशन तक भी हो जाता है बिल्कुल ये तो रहती है चीजें तो जो चीजें आप अपने हिसाब से देखते हो जितनी भी चीजों को मेंटेन करने वाली है तो इसके साथ में इतना कुछ करते हुए जी जैसे अभी मैं शुरू में भी बोल रहा था कि आपका यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योरसेल्फ कि भाई पहले लास्ट टाइम मैंने आपको देखा था तो आप शायद एटी प्लस वेट था आपका एटी के जी से भी ज्यादा जी और अभी आपका वेट जो मुझे देख पा रहा हूँ से, मुझसे भी कम लग रहा है सो सो हाउ डू यू यू नो गो फ्रॉम बींग मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच मैनेजिंग योर बिजनेस एंड देन अ फिटनेस फ्रीक एट द सेम टाइम देखिए बहुत सारी चीजें देखिए एक व्यक्ति के जीवन के ना अलग पहलू हैं पहला वो खुद है जब तक आप जीवित हैं तब तक आप सबसे कनेक्टेड हैं जिस दिन ही आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएगी उस दिन आप किसी से कनेक्टेड नहीं रहेंगे मतलब यू आर ओनली वेन वेन यू आर ओनली लाइक योर सेल्फ जब आप पहले खुद हैं तभी सबके लिए सब कुछ होंगे दूसरा आप अपने परिवार से कनेक्टेड हैं तीसरा आप अपने समाज से कनेक्टेड हैं और समाज से कहीं ज्यादा कनेक्टेड है अपने दोस्तों से और एक आपका व्यापार रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सभी चीजों को सर्वाइव करने के लिए चलाने के लिए

ये आपको देखना है उस चौबीस घंटे में से कहां से टाइम खींचेंगे और इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से प्रूव कर देता हूं मान लीजिए शाम को मेरा सेमिनार है और सेमिनार का टाइम है सात बजे का या आठ बजे का तो इसका मतलब उस दिन मैं जिम नहीं जा सकता तो उस दिन मैं क्या करूंगा जहां मेरा सेमिनार है उस वेन्यू के दो किलोमीटर पहले मैं उतर जाऊंगा गाड़ी से और वहां से मैं वॉक कर लूंगा तो दो किलोमीटर की वॉक भी इक्वल होती है आधे से एक घंटे की एक्सरसाइज के बराबर वहां जाके अपना ड्रेसअप चेंज किया और रेडी हो रहा सेमिनार किया मैंने बताया मेरा डिफेंस कॉलोनी शोरूम था तो वहां से रात में आने में मुझे बड़ी दिक्कत होती थी सात बजे निकल के साढ़े नौ बजे मैं घर पहुंचता था दो ढाई घंटे में तो एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इनवाइट कर ली लोधी गार्डन में एक घंटे का समय डेढ़ घंटे का मैंने वहां लगाया वहां से मैं नौ बजे निकला तो भी मैं साढ़े बजे घर पहुंच गया क्योंकि ट्रैफिक सारा ऑफ हो गया तो मेरे माइंड में आया यार मैं ढाई घंटे ट्रैफिक में क्यों लगाऊ मैं ढाई घंटे में से दो घंटे पार्क में लगाऊँ और आधा घंटा रास्ते में पहुंचूंगा कई बार ऐसा भी हुआ मैं ऐसी जगह पर गया हूं जहां पर ना कोई जिम है ना कोई वर्कआउट करने का स्पेस है और ना ही टाइम है रास्ता है केवल तो जितनी जगह लोग लंच कर रहे थे मैंने कहा आप लोग लंच करो मैं यहाँ से रनिंग करके जा रहा हूँ दो जहाँ मैं मिल जाऊँ मोबाइल मेरा है आपके पास इसी रोड पर जाऊँगा कहीं मुड़ूंगा नहीं आप रास्ते में मुझे वहां बिठा लेना तो ऑन द वे यू कैन डू एक्सरसाइज ऑन द वे यू कैन डूब ये तो आपका सोचने का तरीका हो गया बड़ा सिंपल सा कि आपने चीज़ देखी कि भाई मैं यहाँ में से टाइम निकाल लूँ और मैं इस टाइम को यहाँ यूटिलाइज कर लूँ बड़ा एक सिंपल सा वो रहता है कि आम आदमी को ना किसी भी उसमें मोटिवेट होने के लिए बड़ा जद्दोजहद करनी पड़ती है क्योंकि लाइफ स्टाइल ही है जी आप खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हो देखो मोटिवेट करने के लिए मेरे मोटिवेशन का ना एक ही फार्मूला है जिसको मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया और मैंने एहसास किया कि यह वो तरीका है जो मुझे मोटिवेट रखता है आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज से लगता है सबसे पहले आइडेंटिफाई करो मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात से लगता है कि मैं अपने दोस्तों को कोई बात बता दूं और वो चीज पूरी ना करूं तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कहेंगे अरे यार ये तो बेकार की बातें करता है तो मुझे जो काम सबसे मुश्किल लगता है जो काम मुझे सबसे मुश्किल लगता है ना उस काम की अनाउंसमेंट मैं अपने उन सभी प्रिय लोगों के सामने कर देता हूँ जिनके सामने मुझे बाद में बेजत ना होना पड़े ये मेरा रियल फैक्ट है मैं आपको अपने जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ जो काम मुझे मुश्किल लगता है वो काम मैं सबके सामने अनाउंस करता हूँ और ये महसूस करता हूँ कि मुझे इनके सामने बेचती होता ना कि भाई सबसे पिट जाऊंगा दोस्तों में स्कूल कॉलेज में होते थे ना सबसे पिटाई खा जाऊंगा मैं लेकिन सारे इससे नहीं पिटूंगा इससे तो मैं जीत के रहूंगा चाहे ताकत डबल लगानी पड़े तो मेरा ये सिद्धांत है जो काम मुझे मुश्किल लगता है वो अपने सर्वोपरि परमप्रिय और सामान्य व्यक्तियों को सबको बता देता हूँ गा डालता हूँ वो ताकि जब वो समय आए तो मुझे उस बेजती का सामना ना करना पड़े ये और तो वही बात मुझे मोटिवेटेड रखती देखो है देखो ये तो आपने उस चीज के लिए बोला <laughs> कि आपका डर है और आपको जो काम करना है पहले वो बात वाली बात है लेकिन अगर इसके अलावा जी क्योंकि हर आदमी तो ऐसा करता नहीं बिल्कुल और हर आदमी इससे रिलेट भी नहीं कर सकता तो इसके अलावा सेकंड ऐसी क्या चीज होगी जो आपको मोटिवेट करने के लिए सेकंड सेकंड चीज बताता हूँ वो बहुत सारे लोग वैसे यूज भी करते हैं अपनी लाइफ में वो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की ना सौगंध उठाते हैं है ना जैसे भाई ऐसे देखो याद करो पहले क्या होता था <laughs> अच्छा जब माँ बाप पूछते हैं बेटे तू स्कूल गया था <laughs> क्या हाँ गया था तूने बंक मारी थी नहीं बंक नहीं खा मेरी कसम मम्मी आपकी कसम मैंने बंक मारी थी हाँ उसको पता है मम्मी की कसम खा रहा हूँ है ना तो पहले बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं यार तुझे मेरी कसम है तुझे मेरे लिए काम करना है यार मेरी कसम है यार ये बात तो बता यार सच सच बता फिर मैं सच बताता है तो आपका जो प्रिय है भाई मैं कहता हूं अगर आप ये वाला फार्मूला नहीं अपना सकते ना तो आप कसम उठाने का फार्मूला अपना ले और अगर मान लो कसम पूरी नहीं कर पाए तो सामने वाले की कसम भी खा ली जरूरी नहीं है भाई मतलब अब कसम खाने वाला व्यक्ति जो होता है ना वो कसम इस जब खा पाता है जब उसको पहली चीज व्यक्ति उस चीज से अत्यधिक प्यार होता है और अत्यधिक प्यार होता है ना तो उसके लिए वो कभी उस चीज को छोड़ता नहीं नहीं कई बार लोग कसम इसलिए भी खा लेते हैं कि उनको उस बात को जो सामने पोक प्रूव करनी हो और उसको बेसिकली उस बात को ना जो पीछे पड़ा हुआ है तो ऐसा कर ले कर ले कर या या तू नहीं नहीं किया किया क्यों करेगा कि नहीं करेगा वकील साहब ये बात ना ही पूछो पता है क्यों क्योंकि आपकी अदालत में कहते हैं कि मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा नहीं पहली बात तो कोर्ट के अंदर ना वो गीता वाला सिस्टम ही खत्म हो गया अच्छा मूवीज में होता है मूवीज में होता है क्योंकि मूवीज का जो चल रहा होता है ना दो ढाई ढाई घंटे की मूवी में आप पूरा दिखाई नहीं सकते कोर्ट का प्रोसेस है यहाँ कोर्ट का प्रोसेस जो केस है वो तीस तीस साल चलता है आप नब्बे मिनट में कैसे दिखा नहीं दिखा सकते ना पॉसिबल नहीं है तो गीता पे हाथ रखने वाला जो सिस्टम वो सिस्टेम है नहीं ठीक है लेकिन एक भाई हम, भाई देखो मैं तो कोर्ट जाता नहीं हूँ ना मैंने तो मूवीज में देखा है लेकिन वहां तो कहीं ना कहीं कानून को मतलब मूवी के माध्यम से समझ लो चलो आप अपने लॉ पे न लेके जाए मूवी के माध्यम से जज को ये विश्वास होता है पब्लिक को विश्वास होता है कि जो गवाही दे रहा है वो गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा है अभी तो उस व्यक्ति की सच्चाई है कि वो कितना विश्वास रखता है देखो आपने एक बात बोली कसम खाने की मैं आपको कोर्ट का एक बड़ा बढ़िया तरीका बताता हूँ क्या होता है कि वहां पे अगर लो आपने लाइफ में किसी की कसम खाई और आपने पूरी नहीं की झूठ तो मर जाते मर जाते हाँ। तो तो। बोल दिया जी। तो उसकी जेल है <laughs> उसके अलग से प्रोविजन है उसका अलग अलग हो जाए जेल होगी जेल होगा कि तूने झूठ बोला ना उसका आपके पास ऑल्टरनेट नहीं है तो वहाँ डर के हमारे आदमी को बोलना पड़ता है पर रियल लाइफ में जो चीजें है कई बार

वो छोटे लक्ष्य जो बनाते हैं ना वो जिम बहुत जल्दी छोड़ देते हैं एक वो आप प्रैंक्स भी देखोगे या जितने इस आजकल जो मीम्स बन रहे हैं उसमें देखेंगे ना कि सर मैंने जिम ज्वाइन किया है कब किया आज ही किया है शेरे डोले कितने दिन में बन जाएंगे कदम आपको कब चाहिए कदें एक हफ्ते में चाहिए कि बने बनाए रखें ले लो <laughs> पेन लोईन वो बड़ा अच्छा डायलॉग है कोई शेयर मार्केट को एक रात का हलवा नहीं है हाँ। जो सुबह उठकर आप खा लेंगे हाँ। तो क्या आपको रेगुलर उस पर काम करना होगा आपको अपनी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि मैं जो भी काम करना चाहता हूँ ना उसको मैं कुछ हिस्सों में डिवाइड करूँ और थोड़ा, थोड़ा 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 के कंसिस्टेंसी वो चीज़ पर काम करूँ दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोग जब कोई भी डेडिकेशन लेते हैं ना अपने मन में कोई भी एक विश बनाते हैं कि मुझे ये पूरी करनी है वो पहले ही दिन से हंड्रेड परसेंट उस पर जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से वो सबसे पहले फेल होते हैं जैसे मैं आपसे कहूं कि कल से डाइट करनी है और रोटी खाना छोड़ देना है तो आप एक दिन छोड़ देंगे दूसरे दिन आपकी हालत इतनी बुरी हो जाएगी कि आप रोटी के बिना रह नहीं पाएंगे तो राइट तरीका पता है क्या है राइट तरीका है थर्टी डेज का मैं कोई भी अपनी विश जो पूरी करना चाहता हूं थर्टी डेज के वार्म अप कहते हैं ना एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना हल्की से स्ट्रेचिंग करनी है तो वो स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप है लोग कहते हैं कि सर आप इतनी कड़क डाइट कैसे कर लेते हैं तो मेरा पहला वीडियो देखो पहले दिन वाली वीडियो में मेरे पास तीन चपाती थोड़े से राइस दाल सैलेड और कुछ चटपटा भी था दिन बाद मेरी वीडियो में दो चपाती है उसके दिन बाद एक, एक है। और एक तो मैं कम 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 से कम से चला चुका बिना चपाती पर आया उसके बाद में बिना, बिना राइस पर आया उसके बाद मसाले से हल्के 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 करते 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 जीरो पर आया लोग पहले दिन से उठेंगे ना तो कल चार बजे उठेंगे छे बजे नहीं उठेंगे जो रोज आठ बजे उठता है वो कल सुबह चार बजे का अलार्म लगाएगा किसने कहा आपको चार बजे का अलार्म लगाने के लिए अगर आप आठ बजे उठते हो आप साढ़े सात का अलार्म लगाओ आधा घंटा तीन चार दिन में कुछ नहीं पता लगेगा आपको सेम डे नहीं पता लगेगा आधा घंटा पहले उठने में चार पांच दिन बाद जब हैबीचोल हो जाओ ना तो फिर आधा घंटा और खिसका दो सुबह चार बजे उठने की ट्रैक पर जाने के लिए आपको कम से कम पच्चीस दिन का समय लगेगा आप करते हो इंस्टेंट तो ये भी इसका एक फार्मूला है कि आपको जो लक्ष्य हासिल करना है टेक स्मॉल स्टेप्स टेक स्मॉल स्टेप्स स्मॉल स्मॉल से आपको बिल्डिंग पूरी चढ़नी है बिल्कुल This is the जी जिस... और यही बात डाइट पर लागू होता है मेरा डाइट का मैं कोई भी डाइट शुरू करता हूँ ना उस डाइट को शुरू करने का प्रोसेस तीस दिन का लोग अगले दिन से करते हैं बीमार हो जाएंगे चक्कर आ जाएंगे अगले दिन खाना छोड़ दिया तो गिर पड़ेगा बंदा अगर लाइफ में किसी को चाहे जॉब करनी हो जी चाहे उसको बिजनेस में काम करना हो चाहे उसको मोटिवेशन कर लेनी हो या उसको बेसिकली फिटनेस में काम करना तो बेटर ऑप्शन यही है कि उसको बेसिकली वो जो छोटे छोटे स्टेप्स ले बहुत छोटे तो स्टेप्स बहुत छोटे स्टेप्स इतने छोटे कि आपको पता भी ना लगे हाँ। और वो इजी लगने लग जाए और वो आपकी हैबिट बन जाए करके दिस इज बेसिकली दिस जस्ट ये और यही आपको मोटिवेट करना चाहिए जो आपका आपका जो अचीव करने का तरीका है वो भी है और ये बहुत लोग जनरली जर्न, जो कहते ना कि बताते हैं कुछ लोग नहीं बताते हैं चीजों के लिए दिस इज एक्चुअली वो कसम खाने से तो मैं आपसे कल से बोलूँ कल से चार लीटर पानी पीना है वैसे आप चार लीटर पहली बार तो पी नहीं पाएंगे और पियेंगे भी तो आप कुछ खा नहीं पाएंगे क्योंकि चार लीटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी है आप धीरे धीरे इतना पानी पीते हैं सिर्फ दो ग्लास बढ़ाने आपको पहले सात दिन में फिर अगले सात दिन में एक ग्लास और बढ़ा लिया फिर और बढ़ा लिया आप देखेंगे आपकी नॉर्मल कंजम्पशन हो जाएगी तीन चार लीटर पानी लेकिन पियंगे तो कल से ही पिएंगे जैसे शराबी को कहते हैं ना कोई एक व्यक्ति कहता है ना मेरी पूरी बॉटल पी लेता हूँ तो नशा नहीं होता मैं बैलेंस रहता हूँ पूरी बॉटल पीने के देखर देखर क्यों? की क्योंकि आप पी लो एक दिन बॉटल पूरी एक बॉटल छोड़िए आप चार पैक के बाद तो आपको ये नहीं पता होगा मैं किस नाले में पड़े पड़े होते होते हैं तो आपको करना क्या है मैं पीने की हैबिट डेवलप करने की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ उसने एक बॉटल की हैबिट डेवलप करने में कितना समय लगाया है ठीक उस तरह से ये तो नेगेटिव बात हो गई इसको हम गलत तरीके से छोड़ते हैं मान लीजिए आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए हाई प्रोटीन डाइट लेनी है वो रूल तो सब जगह सेम सब जगह सेम, सेम आएगा तो यही बात तो मैं आप गलत करो आप चाहे हीरो बनो या विलेन बनो

देखिए क्या होता है कि एक हमारी बॉडी में ना हमारे माइंड में एक तरह के न्यूरॉन्स होते हैं और जैसी हैबिट आप डेवलप करते हैं ना वैसी हैबिट डेवलप होती है एक स्नूज का ऑप्शन होता है जो हम अलार्म लगाते हैं और स्नूज़ कितने मिनट का होता है पाँच मिनट का या कहीं किसी अलार्म में दस मिनट का आपने पाँच बजे का अलार्म लगाया आपको लगा कि यार पाँच बजकर उठना है दस मिनट और सही और आपने स्नूज का बटन दबा दिया अलार्म पाँच बजकर दस मिनट पर दोबारा बजेगा जब आपने पहली बार बटन स्नूज़ किया था ना तो आपने माइंड में ऐसे मतलब डेवलप कर लिया था ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके काम को दस मिनट डिले करने की हैबिट बना देता है तो आपने पांच बजे का अलार्म क्यों लगाया अब लगाते ही पांच बज के दस मिनट का ताकि स्नूज ना करना पड़े स्नूजिंग जब हम करना शुरू करते हैं तो वो हैबिट हमारी टोटल लाइफ में डेवलप हो जाती है कोई भी काम करना है अभी करता हूँ यार दस मिनट बाद अभी करता हूँ पांच मिनट बाद तो डिले करने की हैबिट तो किसी भी चीज को ना पॉइंट डॉट पॉइंटेड टारगेटेड रखें आप किसी भी चीज को पढ़ाई शुरू करनी है नौ बज के पच्चीस मिनट तो पच्चीस पे करूंगा तीस पे नहीं अगर तीस पर करेंगे तो तीस पे करूंगा पैंतीस पे नहीं तो डेडिकेशन ऑफ़ टूवर्ड द टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी बात अपने टास्क को ना हिस्सों में बांट लें कि इतनी इतनी देर मुझे ये काम करना है मुझे अपनी फिटनेस आप ज़्यादा मैं कहता हूँ आप मेरी मैं वजन लेके जा रहा हूँ रास्ते में मैं एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हूँ मेरे हाथ में दो थैले हैं पाँच पाँच किलो के, के दस दस किलो के, के और मैं लेकर जा रहा हूँ आप मेरी मदद करना चाहते हैं और आपकी कैपेबिलिटी नहीं है दस किलो उठाने की तो आप कर देंगे मेरी मदद बिल्कुल तो आपको कैपेबल बनना पड़ेगा मेरी जा दूसरे की ज़्यादा मदद करने के लिए अपने परिवार की मदद करने के लिए मैं ग्रहणियों को कहता हूँ कि आप अपनी फैमिली की ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं ना तो ज़्यादा फिट रहो तभी तो आप ज्यादा कर पाएंगे जब आप ही बीमार रहेंगे तो आपके बच्चे भी परेशान रहेंगे खाना टाइम पे नहीं मिलेगा हस्बैंड भी परेशान रहेगा तो आप अपने आप को फिट बनाएं मेंटली फिट बनाए फिजिकली फिट बनाएं फिजिकली फिट होंगे तो मेंटल फिट होने लग जाएंगे अपने आप दूसरा अपनी लर्निंग पर ध्यान दें कि आप रेगुलर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर करें जो आपके पैशन के रूप में हो मैं तो फोर्टी फोर्टी फोर ईयर की एज पे स्केटिंग कर रहा हूँ मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ जो लोग कई बार मेरे दोस्त हैं आप ही के खास मित्र मेरे खास मित्र हैं मित्र के मित्र इष्ट मित्र होते हैं तो कह रहे भाई बुढ़ापे में अगर बट बुढ़ापा शब्द डिलीट कर दे वरना मैं तुम्हें डिलीट कर दूंगा अपनी डायरेक्टरी में से ठीक है चवालीस साल की एज पर मैं स्केटिंग कर रहा हूँ चवालीस साल की एज पर मैं मार्शल आर्ट कर रहा हूँ नान चौक चला रहा हूँ तो ये तो एक्टिविटीज़ आप मेरे यूट्यूब में देखते ही हैं तो एज डजेंट मैटर मैं ये कह रहा हूं कि आप जो करना चाहते हैं जो भी आपका पैशन हो जो भी आपका मन हो कि मैं स्कूल टाइम पे ये करता वो आप अभी करो एक घंटा एक्स्ट्रा टाइम में निकालो और उस पर काम करना शुरू करो और अपने फ्यूचर विजन को ध्यान रखते हुए अपने गोल बनाकर छोटे छोटे स्टेप बांटकर जब आप काम करेंगे ना तो आप आसानी से उसको अचीव करेंगे ये पांच स्टेप्स अगर कोई भी युवा बिजनेस ओनर हाउसवाइफ कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है तो वो कामयाब हो सकता है बस इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है निरंतर सतत प्रक्रिया से प्रयास करने की ज़रूरत है बिल्कुल तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित महेश्वरी और इनके पूरे जो इंटरव्यू में पॉडकास्ट में जो हमारे क्वेश्चन आंसर हुए हैं उसमें चीज़ समझ में आई है ये कि प्रैक्टिस मेक्स एन एग परफेक्ट जो बहुत पुरानी कहावत है सो यू कीप ऑन डेवलपिंग योर सेल्फ कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ और आप धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप ले कर अपनी सक्सेस की मतलब बी एट एनी फील्ड चाहे आप स्टूडेंट हैं कोई और हैं आप उसको अगर इम्प्रूव करते चलेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव अलॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ और मोटिवेशन जो है मोटिवेशन इज़ बेसिकली नॉट जस्ट वन टाइम यू नो टिकट टू सिनेमा आपको डेली खुद को मोटिवेट रखने वाली बात है और आप तो वैसे भी काफ़ी मोटिवेट करते हो लोगों को तो अब आज के लिए इतना ही और अगर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस पूछने के लिए और इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए और मुझे समय देने के लिए हृदय के ग्रह से आपको और आपके सभी व्यूवर्स को मैं धन्यवाद करता हूँ